माई डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम एक्सप्लेनिंग एक्सरसाइज 1.2 ऑफ 10th स्टैंडर्ड, 5th क्वेश्चन. चेक वेदर 6 एंड कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन. सो फर्स्ट वी हैव गिवन 6n. तो 6n, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n वी कैन राइट 6n. So prime factors of 6 we will find 2, 3 ja 6, 3, 1 ja 3. So we can write 2 into 3 whole power n. अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दिया है कि 6n can end with digit 0, ये question जो दिया है हमें. तो for any natural number, तो natural number n जैसे starting होता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो इसे हम लिख लेते हैं. तो देखते हैं इसको कि जो नेचुरल नंबर है 6n में, अगर n की जगह मैं 1 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा 6 की n की जगह 2 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा 6 6 36 हो जाएगा. ये इस प्रकार से n की जगह रखता हूँ 3 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा 6 × 6 × 6 तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा. इस प्रकार से ये. तो लेकिन हमें क्या चाहिए, 6n की जो n की जगह हम जो वैल्यूज पुट अप कर रहे हैं तो हमें एंड विद डिजिट 0 चाहिए. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए या फिर 20 होना चाहिए या फिर 30 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 1000, इस प्रकार से ये चाहिए. अब इनके प्राइम फैक्टर्स हम देखें तो इनके प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, तो इनके प्राइम फैक्टर्स अगर हम देखें तो 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 5 होते हैं. ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा लेते हैं, 10 के प्राइम फैक्टर 2 × 2 = 5 = 10 और 5 × 1 = 5. इस प्रकार से आप देखें 20 के प्राइम फैक्टर्स देखें तो 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं. तो 20 के प्राइम फैक्टर्स में कितना हो जाएगा 2 × 2 = 2 और 0. अब 10 की डायरेक्ट लिख देते हैं तो एक तो 2 आ गया और बाकी के 10 के जो है तो ये कंटिन्यू रहेगा तो 2 × 5 हो जाएगा. इस प्रकार से अब 30 के भी देखें तो 30 में भी क्या करेंगे तो 2 × 3 = 30 हो जाएगा तो एक 3 आ जाएगा और एक 2 और एक 5. इस प्रकार से 30 के. 100 के देखें तो 100 में कितना हो जाएगा ये 10 × 100 होता है तो 2 × 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा. फिर उसके बाद 1000 की अगर देखें तो 2 × 10 है तो 2³ हो जाएगा. इस प्रकार 2 × 5³ हो जाएगा. इस प्रकार से अब यहाँ पर देखें तो वी आर सीइंग हियर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 ओनली 2 इज प्रेजेंट एंड 5 इज नॉट प्रेजेंट. 5 अगर आता है तो यहाँ पे क्या है कि उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 अगर रहता है तो ही वो एंड विद डिजिट 0 होगा. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि जो है 6n, यहाँ पे हम लिखते हैं इसको कि 6n फॉर एनी नेचुरल नंबर n. n were to end with 0, then it should be divisible by 2 और 5 होना चाहिए तो डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 5 डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 5 ये. तो यहाँ पर है जो हमने अभी देखा कि जो ये कंडीशन आप देख रहे हैं तो 2 और 5 होना ही चाहिए. सो फाइनली वी विल राइट बट हियर. सो फाइनली बट हियर
फाइव इज नॉट प्राइम फैक्टर, इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ सिक्स एन. सो इट विल नेवर एंड विथ जीरो. विथ डिजिट भी लिख देते, डिजिट जीरो. सो अवर सॉल्यूशन इज कंप्लीटेड.